हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रिशिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज, जो कि हमारी फरवरी मंथ की चल रही है। काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। इकोनॉमी और एनवायरनमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग साइंस एंड टेक की तरफ बढ़ेंगे, सॉरी गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ बढ़ेंगे, और इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, तो इसको आज ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कल हम लोग साइंस एंड टेक को स्टार्ट करेंगे। सो प्रीवियस मंथ की या प्रीवियस क्विज आपको सॉल्व करनी है तो बस एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्विज सेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन योजनास। तो ये स्कीम आपको बतानी कि करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट है कि नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन योजना है, एक तरीके का पेंशन स्कीम है शॉपकीपर्स के लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए, जिनको यहाँ पे मिनिमम मंथली इनकम जो है वो एश्योर्ड किया जाएगा, यानी कि मिनिमम मंथली यहाँ पे पेंशन दिया जाएगा। सेकेंड है कि लघु व्यापारी जिनका एनुअल टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं होता है तो वो अपने आप को भी एलिजिबल यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन है। थर्ड है कि जो पर्सन है उनको यहाँ पर इनकम टैक्स जो SSC है उनके अंदर आना चाहिए, तभी वो एलिजिबल हो पाएंगे उस स्कीम के लिए। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, सो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ट्रिक्स लगा सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, तो इससे आपका जो है ये क्वेश्चंस निकल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हो कि इसमें नाम में ही लिखा है कि एक तरीके का ये पेंशन स्कीम है, और पेंशन किनको प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, तो ट्रेडर्स लोग को प्रोवाइड की जाने की बात की जा रही है, और वैसे लोग जो कि खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है, और कुछ मिनिमम यहाँ पर आपका जो है मंथली पेंशन यहाँ पर एश्योर किया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट नो डाउट बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में भी आप लोग देख सकते हो कि यहां पे 1.5 करोड़ जिसका एनुअल टर्नओवर आपका एक्सीड नहीं कर रहा है तो वो खुद को यहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं कि एलिजिबल है इस स्कीम के तहत। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में जो है जो पर्सन इनकम टैक्स SSC के अंदर आएंगे वो कैसे यहां पे इस स्कीम के लिए जो है एलिजिबल हो पाएंगे, ये आप सोच सकते हो, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर आएंगे तो ऑब्वियस है कि उनका जो है एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट दोनों के जो है कॉन्ट्राडिक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो या तो सेकंड स्टेटमेंट सही होगा या तो थर्ड स्टेटमेंट सही होगा। ओके, तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन जो है फर्स्ट या राइट होगी या बी राइट होगी, तो इस तरीके से आप लोग चल सकते हो। लेकिन वही है कि थोड़ा सा फैक्ट्स आपको स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग जो है इसी तरीके से एग्जाम के टाइम में भी कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमारी जो है फर्स्ट एंड सेकंड है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी ए हो गई। आइए डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम है, स्पेशली ये ट्रेडर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है। मिनिमम जो यहाँ पे पेंशन दिया जाएगा वो 3000 पर मंथ दिया जाएगा। एंट्री एज कितना है, तो 18 से यहाँ पे 40 ईयर्स तक है। ये वॉलेंट्री और कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एलिजिबल कौन कौन है, पहले तो एज ग्रुप आपको पता होना चाहिए कि 18 से यहाँ पे 40 साल तक है। लघु व्यापारी है जो कि अपने आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम करते हैं, अपना कमाते हैं, और एक शॉप ऑनर जैसा काम कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर है, या फिर राइस मिल ओनर है, ऑयल मिल ओनर है, या फिर यहाँ पे वर्कशॉप ओनर है, कमीशन एजेंट है, ब्रोकर है कोई रियल इस्टेट के, या फिर ओनर है कोई स्मॉल होटल्स के, रेस्टोरेंट के, या फिर कोई और लघु व्यापारी है, तो वो सारे लोग जो है अपने आप को भी यहाँ पे जो है एलिजिबल कह सकते हैं। लघु व्यापारी जिनके यहाँ पे 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस्ट में वो एलिजिबल है। GSTIN जो है वो रिक्वायर्ड है ओनली उन पे जिनका टर्नओवर यहाँ पे 40 लाख से ज़्यादा है, और जिनकी सेविंग बैंक अकाउंट है उनके नाम पे होना चाहिए और आधार नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई भी जो है नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर यहाँ पे आपका कवर्ड किया जा रहा है, कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे जो कि ऑलरेडी यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लाया गया था, या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम के अंदर है जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत आते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर अगर कोई भी यहाँ पे आपके इनरोल है तो वो लोग जो है इस तरीके की स्कीम में अवेल नहीं कर सकते, और जो इनकम टैक्स SSC है तो वो भी इस स्कीम के अंदर नहीं आ सकते। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो है हमारी सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो है पेंशन स्कीम चलाया जा रहा है, तो एक पेंशन स्कीम में जो है जितने लोग आ गए हैं उनके लिए है, लेकिन अगर कोई एक पेंशन स्कीम के साथ जुड़ता है तो वो दूसरे पेंशन स्कीम में एलिजिबल नहीं होगा जुड़ने के लिए। ओके, हर जगह से थोड़ी ना मंथली पेमेंट उनको मिलेगा, मंथली पेंशन उनको मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है ये फॉर्मुलेट किया गया है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हमारा इन्हेंस करने के लिए, और किस एरिया में, तो रेनफेड एरिया में। सेकेंड है कि यहाँ पर जो है लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड और जो कंपोजिट फार्मिंग सिस्टम है उसको प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पर आपका लैंड यूज सर्वे होगी, सॉइल प्रोफाइल स्टडी किया जाएगा और सॉइल को एनालिसिस किया जाएगा। तो आपको बतानी है कि करेक्ट कौन सी है।
फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पे आप लोग नाम में ही देख सकते हो कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से जो है इस फील्ड को और ज़्यादा इन्हांस करना है, बेटर करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो तीनों स्टेटमेंट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एग्रीकल्चर को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है, सस्टेनेबल बनानी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट बनानी है, और साथ ही साथ हम लोग को नेचुरल रिसोर्स को भी कंजर्व करना है एक अच्छा खासा सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स लेकर। साथ ही हमें कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ, सॉइल हेल्थ जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उसको लेकर चलना है। सॉइल फर्टिलिटी मैप होनी चाहिए, सॉइल टेस्ट बेस्ड एप्लीकेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर अब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए इस तरीके की स्कीम लाई गई है। नेक्स्ट है कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो ये किस किस एरिया में यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा ये भी आपको बताना है। तो ये आपका एक और क्वेश्चन उससे बन गया, तो पूरी तरीके से एक टॉपिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बताइए यहाँ पे रेनफीड एरिया डेवलपमेंट, ऑन फार्म वाटर डेवलपमेंट, सॉइल हेल्थ आपका मैनेजमेंट, या फिर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर की बात करूँ तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मेनली फोकस किया जाएगा उन एरिया में, रेनफीड एरिया में, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट किया जाएगा, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट किया जाएगा, और क्लाइमेट चेंज यहाँ पे है, साथ ही साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किया जाएगा। पूरी तरीके से एक हॉलिस्टिक यहाँ पे आपका जो है ध्यान दिया जाएगा एग्रीकल्चर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फोर, जो कि है वन स्टॉप सेंटर स्कीम। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम्स जो है ये आपका स्टैब्लिश किया जाएगा पूरे कंट्री में, जिसमें कि एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी वन रूफ, वो भी वुमेन को, जो भी यहाँ पे वायलेंस या वायलेंस से अफेक्ट होती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो पब्लिक स्पेस में हो। सेकेंड है कि वन स्टॉप सेंटर्स जो है ये सिर्फ आपकी जो है वुमेन के लिए है, जिनका एज यहाँ पे 18 ईयर्स से ऊपर है अगर वो अफेक्ट होती है किसी भी तरीके के वायलेंस से, और जो यहाँ पे 18 ईयर्स के नीचे है वो यहाँ पे जो है सपोर्ट किया जाएगा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के तहत। थर्ड है कि जो स्कीम है ये यहाँ पे फंड किया जा रहा है निर्भया फंड के थ्रू। तो आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट नो डाउट बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि वन स्टॉप सेंटर्स जो है वेमेन के लिए ही बनाया जा रहा है, क्योंकि बेसिकली आप लोग देखते हो कि घर में भी वेमेन के अगेंस्ट में वायलेंस होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है और भी तरीके की वायलेंस होती है। साथ ही आप लोग पब्लिक स्पेस में भी देखते हो, जहाँ पे काम करते हैं या फिर बाहर जाते हैं, आम रोड पर चलते हुए भी जो है आपको ईव टीजिंग वगैरह जैसी जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो लड़कियों के साथ जितनी भी छेड़छाड़ होती है उसको लेकर जो है एक सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करने के लिए वन स्टॉप सेंटर्स यहाँ पे बनाया जा रहा है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि 18 इयर्स के ऊपर ही यहाँ पे जो है इस वायलेंस, इस तरीके के वन स्टॉप सेंटर है ये सिर्फ 18 ईयर्स के ऊपर है और 18 ईयर्स से नीचे का ये है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। थर्ड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि जो फंड यहाँ पे इस तरीके की स्कीम को प्रोवाइड किया जाएगा वो निर्भया फंड से किया जाएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, इनके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है, और ये यहाँ पे जो है वन स्टॉप सेंटर आपको देखने को मिलेगा कि 1 अप्रैल 2015 से जो है आपका सेटअप किया जा रहा है, जिससे कि वुमेन को यहाँ पे सपोर्ट कर सके जो भी यहाँ पे वायलेंस से अफेक्ट हुई है। इसको पॉपुलरली आप देखोगे कि सखी कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इस तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यहाँ पर लेकर आई है। ये सब स्कीम है आपका अम्ब्रेला स्कीम, जो नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है ना, उसी के तहत जो है वन स्टॉप सेंटर्स बनाने की बात की गई है। साथ ही यहाँ पर आप लोग देखोगे कि वन स्टॉप सेंटर्स में जो है ना सारे वुमेन को यहाँ पे आपका जो है सपोर्ट दिया जाएगा, जो भी 18 ईयर्स से कम की है या फिर 18 ईयर्स से ज़्यादा है। ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस कास्ट से है, किस क्लास से है, किस रिलीजन से है, यहाँ पे उनका रिलीजन क्या है, रीजन क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, सारी चीज़ों को साइड रखते हुए सिर्फ वुमेन होना चाहिए, चाहे वो उनका एज कोई भी हो। तो वन स्टॉप सेंटर सिर्फ इन्हीं के लिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे है अटल जल स्कीम। तो आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अटल जल जो है वर्ल्ड बैंक फंडेड सेंट्रल स्कीम है, जिसका एम है कि जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करना है। सेकेंड है कि जो फोकस है वो यहाँ पे आपका जो डिक्लाइन हो रहा है ग्राउंड वाटर लेवल, और साथ ही साथ जो वाटर कंजप्शन आपका डिक्लाइन हो रहा है उसी के रेट को यहाँ पे देखना है। थर्ड है कि यहाँ पे आप देखोगे कि कम्युनिटी लीड वाटर सिक्योरिटी प्लान यहाँ पे लाया जा रहा है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अटल जल स्कीम, तो ये आपको पहली चीज़ यहाँ पे यही पता होना चाहिए कि इस स्कीम में साथ कौन दे रहा है। तो वर्ल्ड बैंक साथ दे रहा है, साथ ही यहाँ पे इस स्कीम में अटल जल स्कीम है, तो आप लोग सोच सकते हो कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी हो सकता है या फिर आपका जो है टैप वाटर प्रोवाइड करने के लिए भी हो सकता है, बट ये ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो गई। ओके,
इसको अटल भूजल योजना भी कह रहे हैं और अटल जल है, ये दोनों नाम एक ही है, लेकिन इस तरीके से ट्विस्ट करके समटाइम्स क्वेश्चंस पूछा जाता है जिससे कि आप जो है थोड़ा सा चकरा जाओ। और टोटल आपको 7 स्टेट्स देखने को मिलेगा जिसमें कि ये आपकी योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, पूरा ऑल ओवर द इंडिया में नहीं, वो स्टेट को लिया जा रहा है जिसमें कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, जैसे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी है। ओके, तो यहाँ पे टारगेट है कि 2024 तक जो ग्राउंड वाटर की जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे रिजॉल्व करना है। और साथ ही साथ बस यही सब है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th क्वेश्चन, यहाँ पे आपको जो है प्रोजेक्ट मानव से रिलेटेड क्वेश्चंस है, काफ़ी अच्छे हैं। फर्स्ट है कि प्रोजेक्ट मानव जो है एक न्यू ह्यूमन एटलस है जो कि लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू जो है जितनी भी हमारी मॉलिक्यूलर नेटवर्क है, सारे टिश्यूज़ को जो हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है उसको यूनिफाइड करना है और एक हॉलिस्टिक पिक्चर से यहाँ पे लेकर आना है जिसके थ्रू ह्यूमन बॉडी में हम लोग वर्क कर सकें। सेकेंड कि ये जो प्रोजेक्ट है आपका लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा, तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। फर्स्ट स्टेटमेंट तो नो डाउट करेक्ट है क्योंकि प्रोजेक्ट मानव, इसे आपको समझ में आना चाहिए, मानव मीन्स ह्यूमन बींग ही होता है, तो इनके हमारे अंदर जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यूज़ कहते हैं, टिश्यूज़ का जो आपका ग्रुप होता है उसी के नेटवर्क को यहाँ पे जो है आपकी स्टडी करनी है, उसी के नेटवर्क का एक डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस कहने का मतलब है कि आपकी जो जितनी भी डेटाज है, स्मॉल स्मॉल डेटाज, उसको यहाँ पे इंक्लूड करना है और उसी के थ्रू जो है एक अच्छा खासा जो है वर्क किया जा सकता है, एक पिक्चर्स निकाला जाएगा जिसपे कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक अच्छा खासा वर्क हो सकता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। लेकिन सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि इस तरीके का जो थोड़ा बहुत काम होता है ना वो बायोटेक के अंदर आता है। ओके, सिंपली आप साइंस एंड टेक नहीं कह सकते हो या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर नहीं कह सकते हो, ये आपका बायोटेक के अंदर आता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, सो द ऑप्शन इज़ ए। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, तो ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में ये है किसान क्रेडिट कार्ड KCC स्कीम, आप लोग जानते होंगे। इसमें आप लोग देख लेते हैं कि और क्या बातें की जा रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि KCC स्कीम जो है ये आपका और एक्सटेंड किया गया है फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स को, जिसके थ्रू उनकी जो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है वो उसको मीट कर सकेंगे, इसलिए इसको KCC स्कीम को आपका एक्सटेंड किया गया है। सेकेंड है कि फार्मर्स के लिए आप देखोगे जो भी लोन यहाँ पे KCC के अंदर लिया जा रहा है वो रिपेड कर सकते हैं हार्वेस्ट के बाद। थर्ड है कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन है ये आपका अवेलेबल है फार्मर्स के लिए, तभी अवेलेबल है जब यहाँ पे प्रॉम्प्ट रिपेमेंट देखने को मिलेगा। तो आपको करेक्ट बतानी है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट नो डाउट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट आपको लगता है कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन देने का बात किया जा रहा है वो सिर्फ उस समय दिया जाएगा जब ऐसा लगेगा कि यहाँ पे फार्मर्स जो है रिपे करने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो हमारी करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो गई। लेकिन इंटरेस्ट सबवेंशन कहने का क्या मतलब होता है, जैसे कि लोन जितना लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि फार्मर्स कितना लोन लिए हैं, तो लोन लेने का मान लीजिए कितना बोलूँ, 50,000 का लोन लिए, ठीक है, तो 50,000 में जो है मान लीजिए कि लोन जो फार्मर्स के द्वारा लिया गया है वो 4% में लिया गया है, तो जब वो रीपेमेंट करेंगे तो 4% के साथ जो है ब्याज के साथ वो रीपे करेंगे। लेकिन सरकार का ये कहना है कि फार्मर्स क्योंकि इतना ज़्यादा कमा नहीं पाते, इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते हैं, तो वो रीपे नहीं कर पाते, समटाइम्स जो है वो जाते हैं कि उनकी जो लोन है वो वेव हो जाए, छुटकारा मिल जाए, तो ऐसा सरकार को करना पड़ता है। तो सरकार उसका अल्टरनेटिव लेकर आई है कि यहाँ पे क्या करना है ना, कि जैसे 50,000 का जो है 4% के हिसाब से उनको ब्याज देना है, तो टोटल जितना भी अमाउंट होगा ना उसका 2% जो है, पहले 2.5 था, अब इसको बढ़ा के 3% कर दिया गया, तो इंटरेस्ट सबवेंशन जो है 3% जो है उसका, यानी कि जितना भी यहाँ पे आपका अमाउंट दिया जाएगा वो 3% जो है सरकार यहाँ पे पे करेगी, ठीक है। तो इस तरीके का जो है यहाँ पे आपका इंटरेस्ट सबवेंशन लाया गया, जिससे कि जो देखते हो ना कि फार्मर्स अपना बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि उनकी जो डेट है उनको वो माफ़ कर दे, सरकार माफ़ कर दे, तो वो एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उससे NPA की इशू बढ़ती है हमारे बैंकों की, जो हमारे बैंक के बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं, तो वो एक अच्छा इशू नहीं है। उसी के लिए यहाँ पे जो है आपका इंटरेस्ट सबवेंशन लाया गया है, तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो हमारे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको एक्सटेंड किया गया है KCC को फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए, उनको लोन वगैरह इससे प्रोवाइड हो सके, इसलिए उनको इस तरीके का जो है हेल्प दिया जा रहा है। तो यहाँ KCC फैसिलिटी के अंदर आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो अवेलेबल है फार्मर्स के लिए 2% पर एनम, कब, यहाँ पे जब डिसबर्सल होता है लोन का, और एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है 3% जब यहाँ पे जो है रीपेमेंट करते हैं, तब उस समय 3% का एडिशनल दिया जाता है। तो वन ऑफ द एडवांटेज क्या है कि ये रीपेमेंट सिर्फ यहाँ पे किया जा सकता है सिर्फ हार्वेस्ट होने के बाद भी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है सूत्रा पिक। ओके,
हम लोग देखे थे PT 365 में। तो आपको बताना कि सूत्रा पिक की जो है यहाँ पे क्या बातें की जा रही है। फर्स्ट है कि सूत्रा पिक जो है ये प्रोग्राम है जिसमें कि हमारे यहाँ के जो इंडिजिनस काउ हो गए उसको रिसर्च करने के लिए। सेकेंड है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा लीड किया जा रहा है। थर्ड है कि ये जो प्रोग्राम है इसका एम है कि एक स्टैंडर्ड यहाँ पर डेवलप करना है ट्रेडिशनली प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट का जो कि इंडियन ओरिजिन काउ है। तो आपको करेक्ट बतानी है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा कि सूत्रा पिक है क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप जो है कन्फ्यूज़न में आ सकते हो, बट ये करेक्ट है कि ये हमारे यहाँ के काउ के ही रिलेटेड है। थर्ड भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि एक स्टैंडर्ड जो है हमारे यहाँ की डेयरी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो हमारी इंडियन ओरिजिन काउ है उसकी तरफ से। लेकिन सेकेंड यहाँ पे इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं है, ये मुझे लगता है साइंस एंड टेक की है। आगे देखते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, येस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका एम आप लोग तो देख ही लिए, ठीक है, बाकी और भी डिटेल है तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हो 9th क्वेश्चन का, जो कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये आपका बनाया गया है प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि नया कानून निकल कर आया है 2019 में, तो उसके अंदर एक आपकी जो है अथॉरिटी भी रखी गई है। सेकेंड है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की है इसके अंदर कुछ अपराध को भी देखा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन आपका प्रोवाइड किया जाएगा, कि अगर कोई भी आप गुड्स और सर्विसेज अवेल कर रहे हो तो उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है आपका क्वालिटी और क्वांटिटी से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट प्रचार प्रसार किया जा रहा है जो कि हमारे जो भी लोग हैं उसको मिसलीड कर रहा है, तो उसके उसको रिलेटेड जो है उसको देखकर जो है यहाँ पे ऑफेंस भी है, यानी कि अपराध भी यहाँ पे रखा गया है। तो आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। सो बिल्कुल करेक्ट बात है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग स्टडी किए हैं विजन आईज के मैगजीन में, तो यहाँ इसके अंदर एक अथॉरिटी बनाया गया है जो कि देखेगी, यानी कि एक सही तरीके से जो है यहाँ पे सारी चीज़ें होनी चाहिए हमारा कंज्यूमर, जैसे कि हम कुछ भी खरीदते हैं गुड्स और सर्विसेज कुछ भी अवेल करते हैं, तो हमारा ये हक है कि हम लोग सारी चीज़ों को देख सके, मतलब कि समझ सके, देख सके, ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही अपराध भी रखा गया कि अगर गलत तरीके का हमें इन्फॉर्मेशन दिया जाए या फिर गलत तरीके का जो है एडवर्टीजमेंट दिखाया जाए तो यहाँ पर भी अपराध रखा गया। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेंट्रल यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सेक्शन 10(1) के अंदर रखा गया है। इसमें क्या है ना कि बहुत बड़ा स्कोप रखा गया है कि कंज्यूमर की कंसर्न को एड्रेस करना। इस न्यू कानून के तहत जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके का अपराध है, ये सारी चीज़ें जो है देखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा इस अथॉरिटी के द्वारा। कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, यहाँ पे है आपका पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट से रिलेटेड। करेक्ट आपको बताना है, इस कानून के तहत यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि बच्चे कौन होंगे, तो बच्चे वो होंगे जो कि जिनका एज यहाँ पे 18 ईयर से कम है। सेकंड है कि ये एक लीगल ड्यूटी है किसी भी लोगों के ऊपर जिनकी जिनके पास ये नॉलेज है कि कोई भी बच्चे जो है सेक्सुअली अब्यूज़ किए गए हैं, तो वो इस अपराध को लेकर रिपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड है कि जो पॉक्सो एक्ट है ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा बच्चों में, यानी कि जो चाइल्ड सर्वाइवर है और एडल्ट ऑफेंडर है। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो यहाँ पे अगर करेक्ट की बात करूँ तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये तीनों बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो 18 साल से कम के बच्चे होते हैं उनको हम लोग जो है चाइल्ड के डेफिनेशन में रखें, और जो भी बच्चों के साथ अगर सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है तो उनके विरुद्ध जो है, उनके विरुद्ध नहीं, उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो है आपका ऑफेंस को यहाँ पर रिपोर्ट भी किया जाएगा, और ये सिर्फ आपके बच्चों के लिए ही है मेनली, इस तरीके के कानून आपके बच्चों के लिए लाया गया है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। 11th क्वेश्चन में आते हैं, ये अभी न्यूज़ में भी था कि ऑफिशियल कमेटी आपको बतानी है जिसमें कौन कौन सी कमेटी आज तक बनाई गई है पॉवर्टी को लेकर, यानी कि कितने लोग हैं जो कि यहाँ पे पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, तो इसको रिलेटेड जो है आपकी कौन कौन सी कमेटी यहाँ पे बनाई गई है उसके बारे में आपको बताना है। वाई के अलाक कमेटी, डी टी लगदवाला कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, सी रंगराज कमेटी। तो आपको बताना कि करेक्ट कौन सी है। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इट मीन्स कि सारी कमेटीज़ यहाँ पे करेक्ट है, और सारी कमेटीज़ यहाँ पे पॉवर्टी से रिलेटेड है, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारी डी हो गई। 6 ऑफिशियल कमेटीज़ जो है अभी तक बनाई गई है पॉवर्टी को लेकर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि 1962 में वी एन डंडेकर है, एन रात है 1971 में, वाई के अलाग है 1979 में, डी टी लगदावाला है 1993 में, सुरेश तेंदुलकर है 2009 में, और रिसेंटली 2014 के सी रंगराजन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अब तक इतने 6 जो है यहाँ पे कमेटी बनाए गए हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतने ही। आपको 11th क्वेश्चन में से कितने आंसर यहाँ पे करेक्ट हुए मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक कीजिए।